चलिए, अब जो मार्च महीने में मध्य प्रदेश में जो घटनाएं घटी हैं उनसे आपकी परीक्षाओं के लिए कौन से महत्वपूर्ण पॉइंट हो सकते हैं, क्वेश्चंस बन सकते हैं, उन्हें देख लेते हैं। और आप सभी को मालूम होगा कि आपका मार्च, 2 मार्च की बात है, 2022-2021 की, जो मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री हैं जगदीश देवगौड़ा ने विधानसभा में आपका बजट पेश किया हुआ था और ये बजट डिजिटली रूप में रहा है और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को ध्यान में रखते हुए इस बजट को पेश किया गया है। तो ये आप लोग याद रख सकते हैं। और ये टोटल विनियोग की बात की गई है 2,41,375 करोड़ रुपए। और इसमें आप देखेंगे सामाजिक आर्थिक उत्थान की योजनाओं के लिए 2021-22 के बजट के समग्र रूप से बजट अनुमान इसमें आपका कितना रखा गया है, 1,12,521 करोड़ रुपए, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। और इसके अगर हम लोग 2021-22 में देखें तो राजकोषीय घाटा आपका 50,938 करोड़ रुपए अनुमानित है, जो कि राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 4.5% है। और आप देखेंगे इस वर्ष 8,294 करोड़ रुपए का राजस्व घाटा भी अनुमानित है। तो ये कुछ कुछ पॉइंट आप लोग याद रख सकते हैं। और 2021-22 में पूंजीगत परिव्यय राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 3.90% अनुमानित है और 2021-22 में राजस्व घाटा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 0.73% है और 2021-22 में ब्याज भुगतान कुल राजस्व प्राप्ति का 12.72% है। भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश के लिए 19,353 करोड़ रुपए के अतिरिक्त संसाधन का प्रावधान किया गया है। और इसके अतिरिक्त आप देखेंगे मध्य प्रदेश के पूर्वी व पश्चिमी क्षेत्रों को जोड़ने वाली नर्मदा एक्सप्रेस वे निर्माण का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया जा रहा है। ओंकारेश्वर में आप देखेंगे 600 मेगावाट की विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट विकसित करने की दिशा में कार्रवाई की जा रही है। राज्य में खगोल विद्या विज्ञान के प्रचार प्रसार हेतु उज्जैन क्षेत्रीय विज्ञान उपकेंद्रीय केंद्र कार्य कर रहा है और जबलपुर में नया क्षेत्रीय विज्ञान उपकेंद्र स्थापित किया जाएगा। किसानों की फसल का उपार्जन सुगमता से जो हो सके इस उद्देश्य से एक नई योजना मुख्यमंत्री फसल उपार्जन सहायता योजना लागू करना प्रस्तावित है। इस योजना हेतु 2021-22 में आप देखेंगे 2,000 करोड़ रुपये, कितना, 2,000 करोड़ रुपये बजट का प्रावधान किया गया है। युवाओं को पशुपालन के क्षेत्र में आकर्षित करने के लिए हेतु नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर द्वारा ज्ञान पोर्टल तैयार किया जा रहा है और वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से युवाओं के लिए स्वरोजगार के नए अवसर सृजित करने के उद्देश्य से नई नवीन योजना मुख्यमंत्री स्वरोजगार ब्याज परिधान योजना प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। पन्ना में डायमंड म्यूजियम स्थापित करने की कार्य योजना बनाई जा रही है। जटाशंकर जिला उत्तर छतरपुर में रूप वे बनाने की बात की जा रही है। निर्भया फंड से महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा के बारे में जागरूकता लाने के लिए सेफ सिटी कार्यक्रम के अंतर्गत कार्य किया जा रहा है और इस वर्ष की थीम रखी गई, विषय रखा गया लड़कियों व महिलाओं के प्रति सम्मानपूर्वक नजरिए व्यवहार को बढ़ावा देना और छेड़छाड़ मुक्त शहर का निर्माण करना। मध्य प्रदेश सरकार लापता बच्चों को उनके घर वापस लाने के लिए मुस्कान अभियान चला रही है। तो ये पूछा जा सकता है कि मुस्कान अभियान किससे संबंधित है, तो जो लापता बच्चे रहते हैं उन्हें घर वापस लाने के लिए, ठीक है। मध्य प्रदेश में एक लॉन्च किया गया है MICE रोड शो, क्या, रोड शो मीट इन इंडिया, इन इंडिया ब्रांड, इंडिया ब्रांड। तो इसमें क्या कहा जा रहा है, ये क्या है आखिर, तो MICE रोड शो मीट इन इंडिया ब्रांड और रोड मैप को बढ़ावा देने के लिए आपका MICE डेस्टिनेशन को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा 25 मार्च कब 25 मार्च 2021 को 2021 को खजुराहो में लॉन्च किया गया है। इसके अतिरिक्त खजुराहो में 6 साल कन्वेंशन सेंटर भी लॉन्च किया गया है जिसे पर्यटन मंत्रालय की स्वदेश दर्शन योजना के तहत विकसित किया जा रहा है। और छतरपुर, वैसे आप सभी को मालूम है कि आपका मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में पड़ता है खजुराहो आपका, ठीक है। और MICE रोड शो मीट इन इंडिया की बात करें तो इसका आयोजन 6 साल कन्वेंशन सेंटर में 25 से 27 मार्च 2021 के मध्य किया गया है। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, उद्देश्य भारत को MICE डेस्टिनेशन के रूप में बढ़ावा देना, मीटिंग्स, इंसेंटिव्स और कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन, ठीक है,
के रूप में। इस कार्यक्रम को मध्य प्रदेश पर्यटन और भारत कन्वेंशन प्रमोशन ब्यूरो के सहयोग से पर्यटन मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया। और यह इवेंट भारत की एमआईसी क्षमता को साकार करने के लिए आत्मनिर्भर भारत के तहत एक प्रयास था, जो भारत को एमआईसी गंतव्य के रूप में विकसित करने के लिए सरकार की पहलों पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर प्रदान करता है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अभी मध्य प्रदेश में एक धार्मिक, मध्य प्रदेश की विधानसभा में धार्मिक क्या, धार्मिक स्वतंत्रता बिल आया हुआ है, इसके बारे में जान लीजिए बिल। और देखिए, धर्म को मानने की स्वतंत्रता आपको संविधान के भाग 3 में भी दी गई है। और बिल के बारे में और आप देखिए कानून के बारे में बता देता हूँ। जब तक देखिए आप लोग विधानसभा में जो प्रस्ताव रहता है उसे आप लोग बिल कहते हैं, और जैसे ही आप देखिए विधानसभा से पास होता है और उस पर राज्यपाल की सहमति मिल जाती है, वो कानून बन जाता है। तो मध्य प्रदेश सरकार ने विधानसभा में मध्य प्रदेश स्वतंत्रता विधेयक 2021 पास किया है, और इस विधेयक ने उस अध्यादेश का स्थान ले लिया जिससे सरकार ने किसी भी कपटपूर्ण माध्यम से धार्मिक धर्मांतरण को रोकने के लिए लाया गया था। और इसको लेकर आए आपने देखा है कितना एक तरह से विवाद भी हुआ। नए विधेयक ने उस अध्यादेश का स्थान ले लिया है जिसने सरकार ने दिसंबर 2020 में मंजूरी दे दी थी और जनवरी 2021 में प्रख्यापित किया गया था। इस विधेयक में कुल कुछ मामले में 10 साल के कारावास का प्रावधान रखा गया, उल्लंघनकर्ता के लिए जुर्माना भी शामिल है। यह विधेयक गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगली खबर है सिंगौरगढ़ किले का संरक्षण कार्य। क्या, सिंगौरगढ़ किले का संरक्षण, ये आप देखेंगे 7 मार्च 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मध्य प्रदेश में दमोह जिले के सिंगरामपुर गांव में सिंगौरगढ़ किले के संरक्षण कार्य का आधारशिला रखा है। याद रखिए मध्य प्रदेश के जो दमोह जिला है ना आपका, सिंगरामपुर गांव में आपको देखने को मिलेगा। और राष्ट्रपति द्वारा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जबलपुर सर्कल का भी उद्घाटन किया गया है। जबलपुर शहर से लगभग 50 किलोमीटर दूर दमोह जिले में सिंगौरगढ़ किला स्थित है। यह महाराजा संग्राम शाह के 52 गढ़ों में से एक था। तो याद रखिएगा संग्राम शाह से संबंधित है यह किला। गोंडवाना की राजधानी रानी दुर्गावती की वीरता का गाथा के साथ जुड़ा हुआ है। सिंगौरगढ़ किला एक पहाड़ी की चोटी पर बनाया गया है और 1564 में रानी दुर्गावती के शासन के तहत गढ़ साम्राज्य के अंतिम युद्ध में इस किले का पर हमला किया गया था। तो ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। और मध्य प्रदेश पर्यटन द्वारा नाइट सफारी की शुरुआत की गई है। किसकी, नाइट सफारी, ये क्या है, मध्य प्रदेश पर्यटन द्वारा। तो 4 मार्च 2021 को मध्य प्रदेश द्वारा 3 राष्ट्रीय उद्यानों में रात्रि सफारी का प्रारंभ किया गया। राज्य द्वारा यह कदम पर्यटन के लिए एक प्रमुख बढ़ावा है। रात में भी इसमें तीन कौन कौन से पार्क आपके शामिल है, एक तो आप देखेंगे बांधवगढ़ शामिल है। क्या, बांधवगढ़ आपका शामिल है और आप देखेंगे बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, एक आपका कान्हा इसमें शामिल है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, और एक आपका पेंच इसमें शामिल है। क्या है, पेंच। तो ये आप लोग जरूर याद रखिएगा, तीन पार्कों में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान शामिल है। आमतौर पर सफारी दिन के दौरान आयोजित की जाती थी, लेकिन अब देखेंगे पर्यटन दिन के उजाले में सुरक्षित महसूस करते हैं, लेकिन दिन की सफारी के कारण पर्यटक अपने प्राकृतिक आवास में निशाचर जानवरों को नहीं देख पाते हैं। क्या, निशाचर जानवरों को। और आप देखिए कि एक तरह से आपने देखा होगा दिन में आप लोग घूमने जाते हैं तो वो अपनी गुफा में बैठे रहते हैं, अपने घर में बैठे रहते हैं। और सफारी के तहत राज्य द्वारा मार्ग तय किए जाएंगे और भी यह सुनिश्चित करेंगे कि ना तो जानवरों और ना ही पर्यटकों को नुकसान हो सके। नाइट सफारी को वन्यजीव सफारी आरक्षण पोर्टल पर बुक किया जा सकता है, जो राज्य के वन विभाग द्वारा संचालित की जाती है। तो ये भी याद रखिएगा। एक और बात है इसमें, नई खबर क्या है इसमें, आगे मध्य प्रदेश में चरखा खादी मेला 2021, ये क्या हुआ है, चरखा मेला, खादी मेला 2021, ये आप देखें मध्य प्रदेश खाड़ी ग्राम उद्योग बोर्ड द्वारा भोपाल के रविंद्र भवन परिसर में, भोपाल में ही हुआ है, कहाँ है, भोपाल में ही हुआ है ये रविंद्र भवन परिसर में 7 से 16 मार्च 2021 तक चला है चरखा खादी मेला का आयोजन। और चरखा खादी मेले के आयोजन का मुख्य उद्देश्य यही रहा है कि आमजन में खाड़ी के
खादी के प्रति लगाव हो को बढ़ावा देना और खादी वस्त्रों के क्षेत्र में किसी किए गए नवाचार के से रूबरू कराना। मेले में वस्त्रों के अलावा खादी ग्राम उद्योग के अन्य उत्पाद भी उपलब्ध कराए गए, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। फिर आप देखेंगे इंटीग्रेटेड, क्या अगली खबर है, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट मैनेजमेंट सिस्टम सिस्टम सम्मान, इसे शॉर्ट में आप लोग क्या कह देते, IMS सम्मान। भोपाल की शान ए भोपाल हबीबगंज हजरत निजामुद्दीन एक्सप्रेसवे को इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम सम्मान मिला है। फिर से सुन लीजिए, भोपाल की शान ए भोपाल हबीबगंज हजरत निजामुद्दीन एक्सप्रेसवे को इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम सम्मान मिला है। और भारतीय रेलवे ने पहली बार किसी यात्री गाड़ी को इसका प्रमाण पत्र जारी किया है। और भारतीय रेल में पहली बार एक सवारी गाड़ी हबीबगंज हजरत निजामुद्दीन हबीबगंज भोपाल एक्सप्रेस को यह सम्मान दिया गया। और पश्चिमी मध्य रेल के महाप्रबंधक शैलेश कुमार सिंह को प्रमाण प्रमाणन एजेंसी ये मार्क रेटिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा यह दिया गया है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। मध्य प्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी समारोह हुआ है, मध्य प्रदेश MP राज्य न्यायिक न्यायिक अकादमी समारोह, ये कहाँ हुआ है और इसके बारे में कुछ पॉइंट आप लोगों को याद रखना चाहिए। समारोह तो आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी जबलपुर ने एक अद्वितीय कार्यक्रम ऑल इंडिया स्टेट ज्यूडिशियल एकेडमीज डायरेक्टर्स स्ट्रीट का 6 से 7 मार्च 2021 को जबलपुर में आयोजन किया गया। कहाँ, जबलपुर में किया गया। और जबलपुर को आप लोग न्यायिक राजधानी भी कहते हैं, ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, जबलपुर को न्यायिक राजधानी भी कहते हैं क्योंकि जबलपुर आप देखते हैं कि आपका हाईकोर्ट का मुख्य ब्रांच है आपकी। और रीटेट इस क्षेत्र में इस देश में आयोजित अपना तरह का पहला कार्यक्रम था। और 2 दिन के इस आयोजन में देश भर के 24 राज्यों की न्यायिक अकादमियों के सभी अध्यक्ष, प्रभावी न्यायाधीश और डायरेक्टर्स ने भाग लिया है। कार्यक्रम का उद्घाटन भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद साहब ने इसमें किया है, इस रामनाथ कोविंद साहब के द्वारा किया गया था। ये आप देखेंगे कि इंदौर में, कहां, मध्य प्रदेश का शहर है इंदौर, खेल राजधानी कहते हैं ना इसे, इंदौर में आपका कथक और शास्त्र पर विश्व की पहली इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई है। और एक से आप देखेंगे 2 मार्च 2021 को इंदौर शहर में कथक और शास्त्र पर विश्व की पहली इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। और विश्व में पहली बार कथक और शास्त्र विषय पर कन्वेंशन का आयोजन किया गया है। और इसका शुभारंभ महाराष्ट्र के राज्यपाल कोश्यारी के द्वारा किया गया था। इस कॉन्फ्रेंस की थीम कथक और शास्त्र है। और इस आयोजन के तहत डॉक्टर ददीच के निर्देशन में सेंटर फॉर एडवांस रिसर्च इन कथक पर देश का पहला सेंटर भी स्थापित किया गया है। और आप देखेंगे यह है केंद्र कथक में शास्त्रों को दृढ़ करेगा और इसमें पांडुलिपियों का संग्रह किया जाएगा। कथक में प्राचीन परंपराओं को पुनः पिछले करने का प्रयास भी किया जाएगा, तो ये भी याद रखिएगा आप लोग। एक अगली खबर है आपकी, खंडवा मेडिकल कॉलेज था ना, जो खंडवा मेडिकल कॉलेज, क्या हुआ है इस कॉलेज का नाम बदल दिया गया है। अब इस कॉलेज का नया नाम क्या है, नंद कुमार चौहान, नंद कुमार सिंह चौहान कर दिया गया है। आप देखते हैं क्या रहता है कि नाम पर बदलने की परंपरा बहुत है हमारे देश में। अब आप देखिए कांग्रेस की सरकार आएगी तो अपने नेताओं के नाम पर रख लेगी, और इनकी सरकार आएगी बीजेपी की तो अपने पर, कई इस तरह के आप होते रहते हैं चौहान। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री चौहान शिवराज सिंह चौहान ने खंडवा मेडिकल कॉलेज का नाम, जो यहाँ के दिवंगत सांसद थे नंद कुमार सिंह, इनके नाम पर रखने की घोषणा की है। इसके अलावा बुरहानपुर जिला अस्पताल का नामकरण भी नंद कुमार सिंह चौहान की स्मृति में होगा। खंडवा के सरकारी मेडिकल कॉलेज में बुरहानपुर का सरकारी जिला अस्पताल, नगर पालिका भवन, गन्ना अनुसंधान केंद्र का नाम भी दिवंगत नंद कुमार सिंह चौहान के नाम पर कर दिया गया। इसके साथ ही साहेबपुर कस्बे में चौहान की मूर्ति स्थापित की जाएगी। नंद कुमार सिंह चौहान खंडवा से 6 बार लोकसभा के सदस्य रहे हैं। और आप सभी जानते हैं कि लोकसभा सदस्य बनने के लिए आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। इनका डायरेक्ट चुनाव जनता के द्वारा होता है।
अगर आपकी उम्र भी 18 साल हो चुकी है तो आपका भी वोटर सूची में नाम जुड़ चुका होगा और आप लोग भी वोट डालने जाते होंगे। अगली खबर क्या है? अगली खबर है जनजातीय सम्मेलन से, जनजातीय सम्मेलन कहाँ हुआ है? ये आप देखेंगे कि दमोह में राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने 7 मार्च को मध्य प्रदेश में दमोह जिले में के संग्रामपुर गांव में सिंगौरगढ़ के किले के संरक्षण कार्यों का शिलान्यास किया था। इसके साथ ही भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नए जबलपुर सर्कल का भी उद्घाटन किया था। इस कार्यक्रम का आयोजन संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार और मध्य प्रदेश के जनजातीय मामले विभाग द्वारा किया गया था। तो दमोह में याद रखिएगा। और अगली खबर है आपकी दतिया से संबंधित, दतिया भी जिला है ना, दतिया में बनेगा एजुकेशन हब। एजुकेशन हब होगा तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। 6 मार्च को गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा द्वारा दतिया को एजुकेशन हब बनाने की घोषणा की गई है। और दतिया में स्नातकोत्तर महाविद्यालय, पत्रकारिता महाविद्यालय, मेडिकल कॉलेज, वेटरनरी कॉलेज, फिशरीज कॉलेज और पॉलिटेक्निक कॉलेज का निर्माण किया जाएगा तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगली खबर है आपकी फोर्ब्स इंडिया मैगजीन में मध्य प्रदेश के डॉक्टर आशीष मिश्रा, डॉक्टर आशीष मिश्रा साहब के बारे में जान लीजिए। आशीष मिश्रा डॉक्टर आप जोड़ लेना, आशीष मिश्रा। आप देखेंगे कि फोर्ब्स इंडिया द्वारा मार्च 2021 के कवर पेज और कवर स्टोरी के लिए अम लॉट इंडिया आईटी कंसल्टेंट के सीईओ मनीष मिश्रा को चयनित किया गया। डॉक्टर मनीष मिश्रा मकरी आशीष मिश्रा जबलपुर में जन्मे और गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से बीई की पढ़ाई करने के बाद दिल्ली गए। उसके बाद उन्होंने जर्मनी में काम करना शुरू किया। तो ये याद रखिए आशीष मिश्रा का संबंध जबलपुर से है, ठीक है। फिर अभी हाल ही में आप देखेंगे शंकर शाह, क्या शंकर शाह और अमित शाह नहीं, शंकर शाह और रानी दुर्गावती जी, दुर्गावती पुरस्कारों से भी क्वेश्चन आते रहते हैं। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जनजातीय वर्ग के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को शंकर शाह और रानी दुर्गावती पुरस्कार से सम्मानित किया है। कुमारी सारिका ठाकुर, मुस्कान रावत को इसमें कौन कौन से हैं ये आप देखेंगे। एक तो कुमारी सारिका ठाकुर हैं, ठीक है, ठाकुर हैं इसमें। और दूसरी है आपकी मुस्कान रावत, इन दोनों को आप देखेंगे रावत, इन दोनों को रानी दुर्गावती पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और पंकज, धुर्वे और आप देखेंगे रविंद्र एन बच पचे, रविंद्र एड पचे, इन्हें शंकर शाह पुरस्कार दिया गया। तो याद रखिए दुर्गा रानी दुर्गावती पुरस्कार किसे दिया गया? कुमारी सारिका टागोर को और मुस्कान रावत को। और शंकर शाह आप देखेंगे पंकज धुर्वे और रविंदन एड बच्चे को, एक बच्चे को एक तरह से शंकर पुरस्कार दिया गया है। चलिए आप लोग, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, अगला खबर क्या है? 46वां, क्या 46वां उस्ताद अलाउद्दीन, खां संगीत, समारोह ये आप देखें पद्म विभूषित विश्वविख्यात संगीत सम्राट उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत समारोह का 46वां संगीत समारोह का आयोजन किया गया है। कहां? मेहर में, सतना में पड़ता है मेहर। यहां आपने देखा होगा कि शारदा माता भी आप लोगों ने सुनी होगी, बड़े दर्शन करने जाइएगा। एक 19 से 21 मार्च के बीच किया गया था।
और अलाउद्दीन खां की अगर हम लोग बात करें तो आप सभी जानते हैं इनका जन्म 1862 में मध्य प्रदेश के त्रिपुरा के शिवपुर गांव में हुआ था। और अलाउद्दीन खां एक बहुप्रसिद्ध सरोद वादक थे जिन्हें अन्य वाद्य यंत्रों को बजाने में भी महारत हासिल थी। उस्ताद अलाउद्दीन खां 6 सितंबर 1972 को इनकी डेथ हो गई थी। अभी आप देखिए मध्य प्रदेश में मिशन ग्रामोदय का प्रारंभ हुआ है, मिशन ग्रामोदय ये क्या है, ये आप देखेंगे 18 मार्च 2021 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह द्वारा मध्य प्रदेश में मिशन ग्रामोदय शुरू किया गया है। इस मिशन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों का समग्र विकास किया जाएगा और मिशन के अंदर ग्रामीण क्षेत्रों में आवास सुविधा देने के साथ ही मूलभूत और आधारभूत संरचनाओं का विस्तार भी किया जाएगा। राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों को मूलभूत और बुनियादी ढांचा प्रदान करना और जरूरतमंदों को आवास उपलब्ध कराना है। और इसकी विशेषताओं की बात करें तो ग्रामीण विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं के तहत 10,600 सामुदायिक निर्माण कार्यों का उद्घाटन इस कार्यक्रम के तहत किया जाएगा। और निर्माण कार्यों में आप देखेंगे 6,000 आपकी सामुदायिक स्वच्छता परिसर, 2,000 खेल मैदान, 2,000 शांति धाम, 634 पंचायत भवन शामिल हैं आपके। और इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना के 5 लाख लाभार्थियों के लिए 2,000 करोड़ रुपये जारी करने की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। और 1,562 करोड़ रुपये की लागत से 1.25 लाख घरों के मिशन ग्रामोदय कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को सौंपी जाएगी। और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के को मध्य प्रदेश में प्रभावी ढंग से लागू किया गया है, तो ये भी याद रखिएगा। और प्रधानमंत्री आप लोगों ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पीएम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में सुना होगा। सड़क योजना इसमें मध्य प्रदेश आपका अव्वल है, आगे है सबसे। तो आप देखेंगे कि केंद्रीय पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर उस समय थे। और ग्रामीण विकास योजनाओं विशेषकर प्रधानमंत्री आवास और ग्रामीण ग्राम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश ग्राम सड़क योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश देश में पहले स्थान पर है और ग्रामीण आवास योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर है। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 3 लाख से अधिक आवास बन चुके हैं और कृषि क्षेत्र में मध्य प्रदेश ने पंजाब और हरियाणा को पीछे छोड़ दिया है। अनेक ग्रामीण विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश देश के अव्वल 5 राज्यों में शामिल है, तो ये भी याद रखिएगा। इंदौर जिले में 41 स्थानों में इंदौर जिले में क्या इंदौर जिले में आप देखेंगे 41 स्थानों में कितना 41 स्थानों में शुरू हुई ऊर्जा महिला हेल्प डेस्क, ऊर्जा महिला हेल्प डेस्क नहीं डेस्क डेस्क। तो आप देखेंगे घरेलू हिंसा, महिला अपराधों की रोकथाम व शारीरिक व मानसिक उत्पीड़न पर त्वरित सुनवाई कार्रवाई करने हेतु केंद्रीय गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश अनुसार मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा केंद्रीय आर्थिक एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सहयोग से प्रदेश में समस्त जिलों में 700 थानों में ऊर्जा महिला हेल्प डेस्क स्थापित किए गए हैं और जिसका शुभारंभ 30 मार्च 2021 को जबलपुर हाईकोर्ट के प्रशासनिक न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा किया गया है। महिला ऊर्जा डेस्क का उद्देश्य आप देखेंगे पीड़ित व सताई गई महिलाएं बिना किसी झिझक व निर्दयता के साथ अपनी समस्याएं बता सकती हैं। और महिला डेस्क पर पहला महिला पुलिस अधिकारियों को पदस्थ किया जाएगा, उस पर रखा जाएगा। और आप देखिए महिलाओं की समस्याओं को महिलाएं ही बेहतर समझ सकती हैं। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार थाना प्रभारी के मार्गदर्शन में संबंधित थाना प्रभारी और पुलिस अधीक्षक स्तर की महिला अधिकारी हेल्प डेस्क के प्रभारी के रूप में संचालन करेंगी। यह हेल्प डेस्क अन्य विभागों से समन्वय के लिए केंद्र के तौर पर काम करेंगी और डेस्क का संचालन के लिए पुलिस मुख्यालय द्वारा जो SOP बनाई गई है उसके अनुसार ही डेस्क का बेहतर क्रियान्वयन किया जाएगा, तो ये भी याद रखिएगा। एक और आप लोग जान लीजिए, कैन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट बहुत समय से आप देखिए इसके चर्चा में बना हुआ है। कैन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट आप देखिए बहुत फायदा मिलेगा इससे मध्य प्रदेश के खासकर बुंदेलखंड क्षेत्र को। आप देखेंगे 22 मार्च को नई दिल्ली में आयोजित कैन बेतवा लिंक परियोजना के समझौता ज्ञापन पर मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समझौता पर हस्ताक्षर किए गए, जो नदियों को आपस में जोड़ने के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना की पहली परियोजना है। और इस परियोजना के तहत मध्य प्रदेश की कैन नदी उत्तर प्रदेश की बेतवा नदी को लिंक किया जाएगा।
और इसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश की सूखाग्रस्त बुंदेलखंड क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु मध्य प्रदेश की कैन नदी के अधिशेष जल को बेतवा नदी में छोड़ा जाएगा। और इस योजना में 77 मीटर लंबा और 2 किलोमीटर चौड़ा दोधन बांध और 230 किलोमीटर लंबी नहर का निर्माण भी किया जाएगा। कैन बेतवा देश की 30 नदियों को जोड़ने हेतु शुरू की गई नदी जोड़ू परियोजनाओं में से एक है। और इस योजना से आप देखेंगे कि सूखाग्रस्त बांदा, ललितपुर, हमीरपुर, झांसी, महोबा जिले के करीब 2.5 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की व्यवस्था होगी और आप देखेंगे 35 लाख जनसंख्या को शुद्ध पानी पीने के लिए मिलेगा। कैन बेतवा नदियों का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश से में है और यमुना की सहायक नदियां हैं ये दोनों। कैन नदी उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में यमुना नदी से मिलती है और बेतवा नदी उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में मिलती है यमुना नदी से। राजघाट, पारीछा माता, टीला बांध ये बेतवा नदी पर देखने को मिलेगा। कैन नदी पर पन्ना का बाघ अभयारण्य भी आप लोगों को देखने से होकर गुजरती है ये कैन नदी। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा आप लोग। 27वें हुनर हाट का भोपाल में आयोजन हुआ है, आप सभी को मालूम होगा, इसका सुना होगा आप लोगों ने, लाल परेड ग्राउंड में। और आप लोग अगर भोपाल में रहते होंगे तो गए भी होंगे, सौभाग्य था मुझे, मैं भी गया हुआ था। ठीक है, भोपाल था तो मैंने सोचा कि देख आऊँ। आप देखेंगे कि वही आप सोचिए कि जो मध्य प्रदेश के देसी एक तरह से आपके ये प्रोडक्ट मिलते हैं वहाँ। हुनर हाट 27वां हुनर हाट था, 27वां। ठीक है, ये हुनर हाट भोपाल में हुआ है, कहाँ हुआ था, भोपाल में। और ये आप देखेंगे लाल परेड देखी ना, वहीं हुआ था। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों मंत्रालय भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में 27वीं हुनर हाट का आयोजन किया गया है। 12 से आप देखेंगे 21 मार्च के बीच हुआ था। इसका विषय वोकल फॉर लोकल रखा गया था, ये विषय भी याद रखना है आपको। विषय क्या था इसका, वोकल वोकल फॉर लोकल लोकल। ठीक है, ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। ठीक है, और आप देखेंगे कि भोपाल में संपन्न हुए हुनर हाट में 31 से ज्यादा राज्य के केंद्र शासित प्रदेशों के 600 से ज्यादा कारीगर और शिल्पकारों ने हिस्सा लिया है। भोपाल के हुनर हाट में अजरख प्रिंट, एप्लिक वर्क, आर्ट मेटल वेयर, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, बाघ प्रिंट, बंधेज, ब्लैक पॉटरी, ब्लॉक पेंट, जूट बांस उत्पाद, पीतल के उत्पाद, चिकनकारी, खादी उत्पाद, चमड़ी का उत्पाद, मिट्टी, लकड़ी, धातु के खिलौने, संगमरमर के उत्पादन, चंदन उत्पादन आदि उपलब्ध थे। अगले हुनर हाट का आयोजन गोवा में किया जाएगा, ये आप देखेंगे 25 मार्च से 4 अप्रैल तक, देहरादून में 9 अप्रैल से आप देखेंगे 18 अप्रैल तक, और सूरत में 23 अप्रैल से 2 मई तक किया जाएगा। इसके अलावा इस वर्ष हुनर हाट का आयोजन कोटा, हैदराबाद, मुंबई, जयपुर, पटना, प्रयागराज, रांची, गुवाहाटी, भुवनेश्वर, जम्मू कश्मीर आदि में किया जाएगा, तो ये भी याद रखिएगा आप लोग। फिर आपका खंडवा जिले में साहित्य शरद पगारे का व्यास सम्मान, जो खंडवा जिले के साहित्यकार हैं शरद, इनका क्या नाम है, शरद पगारी, इन्हें आप देखेंगे पगारे, इन्हें व्यास सम्मान मिला है। क्या मिला है, व्यास सम्मान, तो इनके बारे में याद रखिएगा। इस क्वेश्चन से कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है। के बिरला फाउंडेशन नई दिल्ली की तरफ से शरद पगारे को व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। के बिरला फाउंडेशन के 2020 के व्यास सम्मान के लिए प्रोफेसर शरद पगारे के इतिहास उपन्यास पाटलिपुत्र की सामग्री का चयन किया गया है। पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी का इस पुस्तक का विमोचन 2010 में किया गया था प्रकाशन, और व्यास सम्मान पाने वाले वह मध्य प्रदेश के पहले हिंदी लेखक हैं। इस सम्मान से उन्हें 4 लाख रुपए की राशि मिलेगी और प्रशस्ति पत्र और प्रतीक चिन्ह भी मिलेगा। अगर साहित्यकार शरद पगारी की बात करें तो 5 जुलाई 1931 को खंडवा मध्य प्रदेश में हुआ था, और पगारे मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी भारत भूषण सम्मान के अतिरिक्त कई अन्य पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुके हैं, तो ये भी याद रखिएगा शरद पगारे के बारे में। राष्ट्रीय घोड़ सवारी प्रतियोगिता मध्य प्रदेश में ने स्वर्ण पदक जीता है, क्या गोल्ड मेडल जीता है एमपी ने, स्वर्ण पदक किसमें, राष्ट्रीय घोड़ सवारी प्रतियोगिता में। ये बेंगलोर के मार्च माह में बेंगलोर के अग्रम राइडिंग क्लब में संपन्न हुई थी, और राष्ट्रीय घोड़सवारी प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश के राज्य घोड़सवारी अकादमी के खिलाड़ी फराज खान, किनका नाम क्या, फराज खान, और आप देखेंगे फराज खान और राजू सिंह भदौरिया, राजू सिंह भदौरिया, सिंह भदौरिया, भदौरिया ने 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता है। और प्रतियोगिता में फराज खान ने हर्ली कैन अश्व पर प्रतिभा प्रदर्शित करती हुई कौन कार्ड क्रॉस कंट्री नेशनल 1 स्टार सीनियर व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है।
प्रतियोगिता के प्री नोवाई स्ट्रीम इवेंट में फराज खान ने अजान अश्व राजू सिंह ने पिताब अश्व पर प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता है। और प्रतियोगिता में राजू सिंह ने प्री नोवाइस क्रॉस कंट्री व्यक्तिगत स्पर्धा में प्राप्त अश्व पर प्रदर्शन कर रजत पदक हासिल किया है। तो याद रखिए राजू सिंह ने। प्रथम राष्ट्रीय पैरा शूटिंग चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश ने स्वर्ण पदक जीता है, एमपी ने। इसमें आप देखेंगे हरियाणा के फरीदाबाद शहर में हुई है 1 से 5 मार्च के बीच। और प्रथम राष्ट्रीय पैरा शूटिंग चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग अकादमी की खिलाड़ी रूबीना, इस नाम को याद रखिएगा, रूबीना रूबीना फ्रांसिस फ्रांसिस ने महिला वर्ग की 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए मध्य प्रदेश को स्वर्ण पदक दिलाया है। और रूबीना ने यह 557 अंकों के साथ प्रथम स्थान अर्जित किया है और स्वर्ण पदक दिलाया है। मध्य उत्तर प्रदेश की खिलाड़ी सोनिया शर्मा ने 550 और दिल्ली की पूजा अग्रवाल ने 549 अंक हासिल कर क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे हैं। इससे पूर्व रूबीना फ्रांस वर्ष 2017 में बैंकॉक में आयोजित विश्व शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर पिस्टल वुमेन टीम इवेंट में जूनियर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हुए देश को एक स्वर्ण पदक भी दिलाया था। रूबीना फ्रांसिस ने 8 अंतर्राष्ट्रीय पैरा शूटिंग प्रतियोगिता में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व भी किया है। तो ये भी याद रखिएगा। मध्य प्रदेश की एक खिलाड़ी है मनीषा कीर, खीर बोल देते हैं कई लोगों ने, कीर, इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक दिल्ली में खेली जा रही विश्व शूटिंग प्रतियोगिता में। किसमें? शूटिंग प्रतियोगिता में इन्होंने स्वर्ण पदक दिलाया है मध्य प्रदेश को। शूटिंग प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग अकादमी की स्टार खिलाड़ी मनीषा कीर ने महिलाओं के ट्रैप टीम इवेंट में थे देश को स्वर्ण पदक दिलाया। टीम ने मनीषा के साथ शेषी सिंह और राजश्री कुमारी भी शामिल थी। फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ने कजाकिस्तान को 6-0 से अंतर से पराजित किया था। और इस पदक को मिलाकर विश्व कप में मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग अकादमी के खिलाड़ियों ने 4 स्वर्ण 1 रजत और 1 कांस्य पदक सहित कुल 6 पदक जीते मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने। मनीषा कैर अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अब तक 3 स्वर्ण 6 रजत और 4 कांस्य पदक सहित कुल 13 जीत चुकी हैं। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग प्रतियोगिता में 21 स्वर्ण 6 रजत 6 कांस्य पदक इस प्रकार कुल 33 पदक जीते हैं। तो इनका नाम भी याद रखिए, मनीषा की शूटिंग से जुड़ी हुई हैं और एमपी से हैं। तो ये आपकी क्या हो गई, जो आपकी मार्च महीने में जो भी घटनाएं घटी मध्य प्रदेश से संबंधित, उनके बारे में विस्तार से बात कर चुके हैं हम लोग।